गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डार्क साइड लेजेंड। वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे और एकदम कंफर्म कुछ लीक्स और अपडेट्स लेके आ चुका हूँ और एकदम फ्रेश अपडेट से। तो आप लोग जरूर देख लीजिए वाला वीडियो। और ये वाले वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैजिक क्यूब में जो बंडल चेंज हुआ है उसके बाद कौन सा बंडल आने वाला है, या फिर आर्टिक ब्लू बंडल का क्या हुआ और आर्टिक ब्लू का फिर हमारे गेम में आएगा। उसके सिवा भी मैं आपको ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ नए वेब इवेंट्स आने वाले हैं। उसके सिवा भी मिस्ट्री शॉप के बारे में भी पूरा इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वाले वीडियो में मैं इन टॉपिक के सिवा भी मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो नेक्स्ट टॉप इवेंट होने वाला है वो टॉप इवेंट में क्या आने वाला है। उसके सिवा एक लेजेंडरी कैरेक्टर आने वाला है हमारा नेक्स्ट में, जिसका नाम है लोकस। उसका कैरेक्टर एबिलिटी, उसका मतलब एक्सक्लूसिव शो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, उसका वॉइस भी मैं आपको सुना दूंगा। तो चलिए हमारे फर्स्ट अपडेट में जाएंगे। उससे पहले तो फर्स्ट अपडेट है हमारा नेक्स्ट हमारा जो वेपन रॉयल आने वाला है वो क्या आने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा वेपन रॉयल आने वाला है वो होने वाला है N94 का वेपन रॉयल, मतलब N94 का एक स्किन आने वाला है। एट्रीब्यूट अभी तो मुझे नहीं पता है, और जो स्किन आने वाला है वो पिंक कलर का होने वाला है। उसका एक मतलब क्या बोलूँ, फ्री फायर ने जो हमारा लॉगिन स्क्रीन है उसमें एक छोटा सा मतलब हिंट दे भी दिया है, आप लोगों ने जो देख भी लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा N94 का स्किन कैसा दिखने वाला है और कौन से थीम के ऊपर बेस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा N94 का स्किन है, और हमारा जो लॉगिन इवेंट में जो है ना स्पाइनल पंक नाम का जो इंक्लूबेट आने वाला है नेक्स्ट, उसके थीम में बेस करके ये A94 बनाया गया है। तो A94 कैसा दिखने वाला है आप लोग देख सकते हो। एट्रीब्यूट अभी तक मुझे नहीं पता है, मुझे जहां तक लगता है इसका एट्रीब्यूट होने वाला है डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर, सिंगल रेंज लेके कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है इसका एट्रीब्यूट। तो ये सियोरिटी नहीं है, एट्रीब्यूट चेंज हो सकता है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे टॉप इवेंट को लेके है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉप इवेंट आने वाला है वो आने वाला है हमारा हार्ट इमोट को लेके, मतलब हार्ट वाला जो इमोट है ना वो हमारे नेक्स्ट टॉप इवेंट में आने वाला है। अब दूसरे सर्वर में तो ये 500 डायमंड के टॉप में आया है, मुझे लगता है हमारे यहाँ भी 500 डायमंड में आएगा, क्योंकि 500 या फिर 300 उसके नीचे नहीं देंगे ये वाला इमोट। तो हमारा जब नेक्स्ट अपडेट तो वो बहुत ही अच्छा अपडेट है। आप सब लोगों ने ये तो देखा होगा कि ओबी अपडेट के बाद हमारे बाइक में दो लोग अब बैठ सकते, मतलब आप बाइक 2 सीटर हो गया है। लेकिन इसके बाद हमारा जो बाइक के छोड़ के और सारे जो जीप या फिर अब जो कार है उन सब में बैठ के फायर कर सकते हो जैसे पबजी में होता है। तो ये जो लीक है फ्री फायर ऑफिशियल से मिला है, क्योंकि फ्री फायर ऑफिशियल ने एक मतलब टीजर लॉन्च किया है, वहाँ पे दिखा रहा है पूरा कि बंदे लोग कार में बैठ के फायर कर सकते हैं जैसे पबजी में होता है। तो ऐसा जब दिखा रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट या फिर उसके बाद वाले अपडेट में ये अपडेट कर दिया जाए कि आप लोग गाड़ी में बैठ कर भी फायर कर सकते हैं जैसे पबजी में होता है। अगर सच में एक या फिर 2 या फिर 3 महीने के अंदर ये अपडेट कर दिया जाए तो आप सोच सकते हो आप हमारे स्क्वाड में एक एडम को जरूर लेके खेलना, तो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे मिस्ट्री शॉप के अपडेट के ऊपर। तो मिस्ट्री शॉप का इस महीने आने वाला है, तो इस महीने मिस्ट्री शॉप के आने का चांसेस 80% से लेकर 70% तक है, क्योंकि ये पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आया तो 23 से लेकर 24 तारीख के अंदर ही आएगा। और ये जो ड्रेस आप देख सकते हो ये मिस्ट्री शॉप का एक्सक्लूसिव ड्रेस है, और ये ड्रेस एकदम मतलब मिस्ट्री शॉप 1 जो है ना, जो मिस्ट्री शॉप 1 का जो ड्रेस था पूरा सेम है, सिर्फ उसका कलर चेंज करके थोड़ा सा बहुत एनिमेशन देके बस फिर से चिपकाया जा रहा है। और वैसे तो ड्रेस अच्छा है, अगर मेरा मिस्ट्री शॉप में 80% बोलो या फिर 70% 60% भी ऑफ आया तो भी मैं इस ड्रेस को परचेस कर लूंगा। तो आप लोग ये ड्रेस पूरा देख सकते हो। उसके साथ मेरे पास एक और लीक है जो लीक है मैजिक क्यूब के रिगार्डिंग। तो मैजिक क्यूब में आर्टिक ब्लू नहीं आया, तो आर्टिक ब्लू कहाँ पे आ सकते? तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा ब्राजील में मतलब क्या बोले एक रॉयल चल रहा है जहाँ पे पुराने ड्रेस फिर से वापस आ रहा है, तो ऐसे एक इवेंट हमारे इंडिया में भी आ सकता है। तो आप लोग बैनर में देख सकते हो ऐसे ही बैनर ब्राजील में आया और जहाँ पे उनको 35 डायमंड से स्पिन करना पड़ रहा है। तो इवेंट अगर इंडिया में आता है तो हो सकता है यहाँ पे आर्टिक ब्लू दे और भी कुछ अलग अलग बंडल दे सकते हैं, जैसे डेविल अंडर और भी बहुत सारे बंडल यहाँ पे दे सकते। तो डेविल अंडर से याद आया डेविल अंडर का एक और भी मतलब क्या बोलो रीमेक एक बंडल आने वाला, आप उसका लुक कंप्लीट स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये वाला ड्रेस हो सकता है जैसे हमारे डेविल अंडर जैसे आया था ना, मतलब पहले उसको ऑर्डर करना पड़ रहा था उससे थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिले, तो वैसे भी आ सकते हैं या फिर हो सकता है किसी फ्लिप इवेंट में या फिर मोको स्टोर में दे दे। मतलब ये आप लोग समझ लो कि इस ड्रेस को आपको परचेस करने के लिए आपके पास मिनिमम 1000 डायमंड तो होना मांगता है। तो अब आ जाते हैं हमारे कैरेक्टर के अपडेट के ऊपर। तो कैरेक्टर का जो स्किल होने वाला है मतलब जो कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम है लोकस, तो उसका स्किल क्या होने वाला है? उसका स्किल ए होने वाला है कि आप जब किसी को किल करो तो आपका एचपी बढ़ेगा, मतलब अगर आपका एचपी 200 है तो 205 हो जाएगा, और जितना स्किल करोगे उतना एचपी बढ़ता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है 235 के बाद और नहीं बढ़ेगा। तो कैरेक्टर बहुत ही ओपी कैरेक्टर है, कैरेक्टर अभी तक डिजाइन नहीं है इसलिए इसका लुक मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ इसका वॉइस मैं आपको जरूर सुना पाऊंगा। तो आप देख लीजिए इसका वॉइस, मतलब सुन लीजिए इसका वॉइस। तो आपको इन कैरेक्टर का वॉइस कैसा लगा, मतलब लोकस कैरेक्टर का वॉइस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आप लोगों को लगता है नहीं पता है तो मैं बता दूं ये भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर बेस है, मतलब लोकस नाम का एक अच्छा प्लेयर भी है जो ब्राजील का प्लेयर है जिसका नाम है लोकस सिल्वा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इतना सारा अपडेट दे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।